गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th और मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी गद्य खंड में पार्ट एक जिसका नाम था बड़े भाई साहब। हमने बड़े भाई साहब में कल देखा था कि किस प्रकार से बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को समझाई देते हैं कि पढ़ने के लिए वो कितना फोर्स करते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो हॉस्टल में रह रहे हैं और पढ़ाई करना हमारे लिए कितनी आवश्यक है, इसलिए वो उसको समझाई देते हैं कि छोटे भाई को गिल्ली डंडा खेलना, मैदान में फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, अपने दोस्तों के साथ साइकिल चलाना अच्छा लगता है, जो कि बड़े भाई साहब को पसंद नहीं। वो चाहते हैं कि उनका भाई भी पढ़ लेकर आगे बढ़े और ज्ञान प्राप्त करे, तब वो उसको समझाइश देते हैं कि इंग्लिश पढ़ना इतना आसान नहीं होता है, हिस्ट्री पढ़ना इतना आसान नहीं होता है, उसको सब बताते हैं। लेकिन इतनी समझाइश देने के बाद क्या होता है कि बड़े भाई साहब जो है वो फेल हो जाते हैं और छोटा भाई फर्स्ट यानी प्रथम श्रेणी में आ जाता है, जिसके कारण उसे अपने आप पर गर्व हो जाता है। गर्व होने के कारण उसको घमंड सा आ जाता है, और ऐसा कहा गया है कि घमंड तो राजा रावण का भी नहीं रहा है, उसका घमंड भी चूर चूर हो गया। तो इस प्रकार से मैंने आपको उसके दो
बलवान है, वो इस प्रकार से वो बहुत कम पढ़ने लगे, लेकिन उन्होंने मीडिया के आंखों से छुपकर धीरे धीरे पतंगबाजी करना शुरू कर दिया, मतलब पतंग उड़ाना और कंगुए उड़ाना, कौओं को उड़ाना। इस प्रकार से उन्हें एक नया शौक पैदा हो गया। उस शौक के कारण उन्होंने धीरे धीरे पढ़ना बंद कर दिया, मजरा देना, करने वाला पतंग उड़ाने की तैयारी आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती, मतलब वो इन सारी चीजों में लिप्त हो गए और उन्होंने पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। भाई साहब पर संदेह न करने देना, चारों तरफ उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया। इस प्रकार से उन्होंने इतना अपने मियाँ के लिए सोचा कि वो पतंगबाजी या कंकर उड़ाने में लगे हुए हैं, परंतु वे अपने मियाँ का मान सम्मान और उनकी इज्जत करते थे। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर में एक कंकोवाल और उठने से ताशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाश गामी पति की ओर था, पति की ओर जो मन गति से झूमता पतंग की ओर चला जा रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकल कर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालों की पूरी सेना लगे और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने की करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी, सभी मानो पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे। न सब कुछ समतल है, न मोटर कार है, न ट्राम, न गाड़ियां। एक दिन शाम के समय क्या हुआ कि हॉस्टल से दूर कहीं पर कोई लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। पतंग जो थी वो आसमान में उड़ रही थी, उस पतंग को लूटने के लिए वह दौड़ लगा रहे थे। इस प्रकार से दौड़ते दौड़ते उन्हें कोई कुछ भी ध्यान नहीं रहा कि वो किस ओर जा रहे हैं। तो वो ऐसा लग रहा था उनको कि मानो आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संसार ग्रहण करने जा रही थी।
आगे देखती है। लेकिन वह जने किस काम का छपा है आपके घर की हत्या कर रहे थे, तुम अपने दिल में समझते होंगे वे भाई साहब से मर गई दर्जा नीचे हो और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी गलती मैं तुझे पांच साल बड़ा हूँ, चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो इस समय अपने साथ तो मेरे समक्ष हो जाओगे और शायद एक साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन तुझमे और तुम्हें जो पांच साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सका। मैं तुमसे पांच साल बड़ा हूँ और हमेशा बताऊँ। इस प्रकार से भाई साहब उसे बताते थे कि हम एक क्लास में थे जरूर क्या हम एक क्लास तुमसे नीचे जरूर और मैं तुमसे एक क्लास अच्छा, लेकिन फर्क ये है कि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, तुमसे उम्र में मुझे ज्यादा समझदारी है, इसलिए वो बार बार उसे समझाई देने की कोशिश करते हैं। मुझे दुनिया का और जिंदगी का तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। वो समझाते हैं कि सिर्फ एक क्लास ऊपर नीचे होने से कुछ नहीं होता, उम्र में बड़े होने से तजुर्बा होने से ही व्यक्ति बड़ा होता है। चाहे तुम एमए हो डिग्री या डिग्री तुम मिला न हो जाओ, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती। उत्तर देना है कि व्यक्ति समझदार वहां के रहन सहन से वहां के व्यवहार से होता है, आसपास के वातावरण से होता है, न कि पढ़ने या किताबों से। तुमने सिर्फ अपनी किताब का ज्ञान नहीं रहा है, तुम्हें बाहरी ज्ञान नहीं है या उत्तर का कोई ज्ञान नहीं है, इस प्रकार से उसे समझाई देते हैं। हमारी अम्मा ने कोई गलता नहीं बात किया और दादा की शायद पांच की छठी जमात के आगे नहीं है, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़े, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता की गलती, इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा। बड़े हैं और बड़े होने के नाते उन्हें हर प्रकार से संसार के बारे में, जीवन के बारे में, आसपास के बारे में सारी जानकारी है, सारा ज्ञान उनके पास नहीं है, इसलिए वो हमें समझा सकते हैं और समझाने का अधिकार उन्हें है। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और आठवें डेली के लिए कितने प्यार किए, उसका आकाश में कितने नक्षत्र है, यह बातें चाहे उन्हें न मालूम हो लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा। इस प्रकार से भाई साहब उन्हें बताते हैं कि हमारे माता पिता को चाहे हिंदी के बारे में नहीं पता हो लेकिन उन्हें उस ज्ञान के बारे में जरूर पता है कि किस चीज का क्या ज्ञान होता है, उसके बारे में उन्हें पता है। देव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पे खुल जाएंगे, दादा को तार देने के इस पर तुम्हें उन्हें कुछ न पूछेगा। देव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पे खुल जाएंगे, दादा को तार देने के इस पर तुम्हें उन्हें कुछ न सोचेगा। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार न देने की घबराए न बदहवा हो, पहले तो गरज पहचान का इलाज करेंगे, उसमें सफल न हो तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो हम तुमको इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चले, मतलब तुमने कहा है कि अगर जरा सा बुखार या बीमार में हो जाओ तो तुम क्या कर सकते हो, तुम सीधे दौड़ कर या तो पिताजी को कर दिखोगे या रोने बैठ जाओगे। लेकिन तुम्हारी जगह अगर पिताजी होंगे तो वो पहले मुझे देखेंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे या मेरा ध्यान रखेंगे। लेकिन आज तुम और हम कुछ भी नहीं कर सकते, घर के राशन में कितना क्या खर्च होता है ये भी हमें पता नहीं है। इस प्रकार से उन्हें वो बातें बताते हैं। बीमारी करके बड़ी चीज हम तुमको इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चले, जो कुछ ज्यादा देखते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मौका चल जाते हैं, नाश्ता बंद हो जाता है, रोटी और पानी से मुंह छुड़ाने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम उनको खर्च कर रहे हैं उसके आधे में ज्यादा है अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामे के साथ घुमाया और कुटुंब का पालन किया है, जिससे सब मिलकर दो आदमी की और अपने हेड मास्टर साहब की को देखो, एमए के नहीं और यहाँ के
पढ़ेंगे हम किस प्रकार से उन्होंने बड़े भाई साहब की बात को मान सम्मान दिया। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले मैं कछुआ उड़ाने का कछुए उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी डर जाता।